Good morning, students. Hope you all are safe at home. Yesterday we have learned about chapter number 11, transportation in animals and plants. Topic was how blood circulates. So today we are going to read next topic. Topic is the heart. Video number 3. The heart is an organ present in our body that pumps the blood in the blood. हर्ट एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में. इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. ये हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है यानी प्रेजेंट होता है. इट्स लोअर पार्ट इज अ लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इसका जो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा होता है, इसी वजह से हम इसको लेफ्ट में बताते हैं. द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स. हार्ट फोर चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. जो हार्ट है हमारा वो फोर चैम्बर में डिवाइडेड होता है और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है. द आर्ट्रिया और अपर चैम्बर्स कंटेन द ब्लड विद नो ऑक्सीजन. जो आर्ट्रिया है अपर पार्ट है हार्ट का, वह अपर चैम्बर्स है, वहां पर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रहित, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द वेंट्रिकल्स और द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. जो वेंट्रिकल्स है जो लोअर पार्ट है हार्ट का उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड फिल होता है. दिस इज फ्लो डायग्राम ऑफ राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रियल वेंट्रिकल ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम. तो ये जो नीचे का पार्ट है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऊपर के पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है. द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ आर इंडिविजुअली डिवाइडेड विद इन देमसेल्व्स इनटू टू चैम्बर्स विद द हेल्प ऑफ वॉल. जो हमारे हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, तो उसमें राइट आर्ट्रिया लेफ्ट आर्ट्रिया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो चार चैम्बर्स है वो फिर अंदर दो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं और उनके बीच में वाल प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों के बीच के ब्लड को मिक्स होने से बचाते हैं. फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आर बॉडी कॉल्ड एरोटा बिगिंस. जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसके पास बिगेस्ट आर्टरी होती है हमारे शरीर की, इसको हम एरोटा के नाम से जानते हैं. द राइट एट्रियम ऑफ द बॉडी रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ वेन कॉल्ड वेना कावा. जो राइट एट्रियम है हमारी बॉडी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है और किसके थ्रू हमारे हार्ट में आता है? एक वेन के थ्रू आता है, इसको वेना कावा कहते हैं और वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ आर बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, हार्ट में सबसे बड़ी वेन है. दिस इज फिगर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ये हार्ट फोर पार्ट में डिवाइडेड है, चैम्बर्स 1, 2, 3 एंड 4. राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और हार्ट का ये लोअर पार्ट जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट है इसीलिए हम इसको लेफ्ट साइड में बताते हैं, जबकि ये प्रेजेंट का होता है चेस्ट के अंदर. ओके, और ये दोनों वेंट्रिकल और एट्रियम जो बीच में से डिवाइडेड है ये वॉल्स के द्वारा डिवाइडेड है जो कि इनको हेल्प मिक्सिंग में हेल्प करता है, मिक्स ना होने में हेल्प करता है. दिस इज सुपीरियर वेना कावा. वेना कावा हमने अभी जैसा ऊपर पढ़ा, वेना कावा क्या है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन, ठीक है, लार्जेस्ट वेन ऑफ आर बॉडी. इसका क्या फंक्शन है? ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट में लेकर आता है. तो ये एरो के साइन से दिख रहा है, इधर से अंदर ब्लड एंटर होता है, ठीक है. और ये एरोटा जो ब्लड यहां से
पार्ट्स में जाता है वो एरोटा के थ्रू जाता है, जैसे एरोटा साइन से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये रेड जो पार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एरोटा में होता है, एरोटा के द्वारा, एरोटा क्या है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, ओके। जिससे वेना कावा से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है और एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट बीट। द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली एज इट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। आपने देखा है हार्ट का जो मसल्स होती है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, ठीक है। तो उस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो पोजीशन होती है उस टाइम जो ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो होता है, उसी को पंप करना, पंप होना कहते हैं, ठीक है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। और हार्ट का इस तरह से कंटिन्यूअसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो पोजीशन होती है उसको हार्ट बीट कहते हैं। द स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, वो ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट को सुनने में हेल्प करता है। इट एम्प्लीफाइज द हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर्स कैन मॉनिटर इट एंड फाइंड आउट अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन। इट कंटेन्स टू ईयर पीसेस, अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स देम टू अ चेस्ट पीस कंप्रीजिंग ऑफ अ सेंसिटिव डायफ्राम। इसमें देखो स्टेथोस्कोप में ये दो ईयर पीस होते हैं, इस सबने देखा हुआ है स्टेथोस्कोप, ठीक है। और ये डॉक्टर्स अपने ईयर में सेट करते हैं और उसके बाद ये जो ईयर पीस है ये एक ट्यूब से डायफ्राम से जुड़ते हैं। ये डायफ्राम हमारी चेस्ट के भीतर पर रखा जाता है, इससे जो साउंड होता है वो हार्ट बीट जो हमारी होती है वो इस ट्यूब के द्वारा ईयर पीस से डॉक्टर्स के ईयर तक उसको उस हार्ट बीट की पोजिशन सुनाई देती है, ठीक है। और इसी से ही वो डॉक्टर्स जो है पेशेंट की कंडीशन को समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज डू ऑल एनिमल्स पॉसेस सर्कुलेटरी सिस्टम। नो, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस डू नॉट पॉसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं, सभी एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे कि हाइड्रा स्पॉन्जेस में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं एंड हेंस गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एज इट एंटर्स देयर बॉडीज। और ये पानी के द्वारा ही फूड और ऑक्सीजन को बॉडी में एंटर, इनकी बॉडी में एंटर हो जाती है और बॉडी से बाहर आती है। एज द वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडीज इट टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ इट। जब बॉडी के से बाहर वाटर आता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर